अल्टीमेट कुकिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बैंगन की भरते की रेसिपी, बहुत ही टेस्टी और आसान तरीके से, जिसका टेस्ट एक बार आप बनाएंगे तो एकदम अमेजिंग टेस्ट होगा। तो चलिए, देर न करते हुए इस भरते को स्टार्ट करते हैं। बैंगन का भरता बनाने के लिए दोस्तों, मैंने ये एक बड़े साइज का बैंगन ले लिया है, दो टमाटर ले लिए हैं, 5-6 कलियां लहसुन की ले ली हैं और 4-5 हरी मिर्चें ले ली हैं। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इस बैंगन में हल्के से थोड़े कट लगाऊंगी 3-4 जगह पे। ऐसा करने से क्या होता है कि बैंगन जो है वो बहुत अच्छे से पक जाता है अंदर तक, नहीं तो कई बार क्या बड़ा बैंगन रहता है तो वो पूरी तरह पक नहीं पाता। देखिए, मैंने बैंगन में 4-5 जगह इस तरह से कट लगा लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, 1-1-2-2 लहसुन की कलियाँ और 1-1 हरी मिर्च इस कट वाली जगह में लगा दूंगी। इससे क्या होगा, ये भी हमारी बहुत अच्छे से भुन जाएंगी बैंगन के साथ साथ। देखिए इस तरीके से, जब हम ये भूनकर मिर्ची और ये लहसुन इसमें डालते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग आता है। तो आप एक बार इस तरह से बैंगन में मिर्ची और लहसुन इन सबको भूनकर डालकर ट्राई जरूर करें। देखिए, मैंने 2-3 मिर्ची बैंगन में डाल ली है और ये 2 मैं अलग से भून लूंगी और इन टमाटर को भी। अब मैं थोड़े ऑयल से इस बैंगन को ग्रीस कर दूंगी, इससे इसको पकने में बहुत ही आसानी रहेगी और ये बहुत अच्छे से पक भी जाएगा। और टमाटर को भी आप अच्छे से ग्रीस कर दें ऑयल से। और इस तरह से गैस पर एक जाली या कोई भी स्टैंड रख दें और आप बैंगन को पकने के लिए रख दें। एक बार में एक एक चीज ही पकाएं, वरना आराम से पक नहीं पाएंगे। और इस तरह से बैंगन को थोड़ा घुमाते हुए, जब तक ये बहुत अच्छे से न भुन जाए, आप इसे पका लें। देखिए, मैंने बची हुई 2 हरी मिर्च को भी रख दिया है, टमाटर को मैं बाद में भून लूंगी। बीच बीच में आप इसे थोड़ा लटते पलटते रहें। देखिए दोस्तों, हमारा बैंगन अच्छे से भुन चुका है, आप चारों तरफ से देख सकते हैं। बस आप इसे हटा लें, इसी स्टैंड पर आप टमाटर भी रख दें, जिससे ये भी भुन जाए। अच्छा, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको गैस का फ्लेम जो है बहुत हाई नहीं करना है, आप इन सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पर करें। हाई फ्लेम पर करने से क्या होगा कि बैंगन ऊपर से बहुत जल्दी जल जाएगा लेकिन अंदर से पूरी तरह नहीं पक पाएगा। देखिए, हमारे बैंगन, टमाटर, मिर्ची सब भुन चुके हैं। अब आप क्या करें, इन्हें ठंडा होने दें और कभी भी आप इन्हें ठंडा करने के लिए पानी से ना धुलें, क्योंकि उससे क्या आपके जो बैंगन के भरते का टेस्ट खराब हो जाएगा। जैसे ही ये ठंडा होगा तो आप पहले अच्छे से इनका छिलका उतार लें इस तरीके से। ये देखिए, आराम आराम से पूरे छिलके को आप रिमूव कर दें। देखिए, मैंने सारे छिलके को रिमूव कर दिया है। अब आप क्या करें, इसे पहले चाकू की सहायता से कट कर लें अच्छे से, और फिर किसी पाव भाजी मैशर या आपके पास कुछ भी ऐसा मैश करने के लिए फॉक हो, कुछ भी हो, उससे आप इसे अच्छे से बिल्कुल सारी चीजों को बारीक मैश कर लें। आप देख सकते हैं कि हमारा बैंगन भी कितने अच्छे से पक चुका है। तरह मैश करने से जो हमने लहसुन वगैरह मिर्ची सब डाली थी बैंगन के अंदर, सब बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर बैंगन के भरते में आएगा। देखिए, हमने बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। बस अब हमारा भरता जो है बनाने के लिए रेडी। भरता बनाने के लिए दोस्तों, मैंने एक कढ़ाई रख ली है गैस पर, उसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, सबसे पहले डाल दूंगी मैं 1 पिंच हींग और 1/2 छोटी चम्मच जीरा, और इसे मैं करीब 1 मिनट भून लूंगी, जब तक जीरा अच्छे से तड़क लेना लगे। देखिए, जीरा चटकने लगा है। अब मैं डाल दूंगी इसमें 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज और इन्हें भी अच्छे से गुलाबी होने तक भून लूंगी। प्याज को आप अच्छे से भूनें, तभी इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा। देखिए, प्याज थोड़ी थोड़ी भुनने लगी है। अब इस स्टेज पर डाल दें आप 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे भी डालकर भूनें। और अब इसमें डाल दें 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, क्योंकि मैं इसमें कश्मीरी मिर्ची इसलिए डाल रही हूँ जिससे कलर भी आए लेकिन ये ज्यादा तीखा ना हो, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाल दी थी। और अब आप क्या करें, इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी डाल दें जिससे हमारे मसाले डिसले नहीं और अच्छे से भुन जाए। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दें, और अगर थोड़ा और चटपटा पसंद करते हैं तो 1/2 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर भी डाल दें आप इसमें, और इसे 1 मिनट भून लें। देखिए, हमारे मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और तेल भी अच्छे से सेपरेट हो गया है। अब आप भुने हुए बैंगन, टमाटर, सारी चीजें इसमें मिला दें। और अब आप क्या करें, गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर दें। अब आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है और गैस को बिल्कुल सिम करके आप करीब इसे ढककर 4-5 मिनट पकने दें।
देखिए करीब 4-5 मिनट हो गए हैं हमारे भरते को पकते हुए, अच्छे से पक भी चुका है ये। और इसे 1-2 मिनट ढककर पकने दें और फिर आपका भरता सर्व के लिए रेडी है। देखिए करीब 1-2 मिनट और हो गया है और हमारा भरता अच्छे से पककर तैयार है। हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा भरता बनकर तैयार हुआ है। ऊपर से आप इस पर डाल दें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। चलिए अब हम भरते को सर्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमने भरते को सर्व कर लिया है। आप इसे रोटी पराठा किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें और अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बनाइए ये बैंगन का भरता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।